साल लालू प्रसाद जी ने बिहार की स्थिति को बर्बाद किया, तो पहले तो उसके लिए माफी मांगे। भगवान राम दिल में बसे हैं, इसको बसना ही होगा। नीतीश जी अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में, नीतीश जी का कोई रोल नहीं है बिहार में, बिहार में जीरो पे आउट हो। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ओबीसी के तीन ही सेक्रेटरी भारत सरकार में, पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री, उनके परदादा प्रधानमंत्री, तो माफी मांगे ना। ये लोग अपने कर्मों का, कुकर्म जो किए इस देश के, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? उनको पिताजी से पूछना चाहिए था, लालू प्रसाद जी से पहले पूछते ना 15 साल राज क्यों किए थे, उसके लिए माफी मांगना चाहिए आरजेडी के लोगों को। देखिए सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सम्राट जी, सबसे पहले तो स्वप्नी जी आपके पिता हैं, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसी के साथ एक सवाल भी। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि राम मंदिर को लेकर व्यर्थ खर्च हो रहा है, ध्यान शिक्षा रोजगार अस्पताल पर देना चाहिए। उनको पिताजी से पूछना चाहिए था, लालू प्रसाद जी से पहले पूछते ना 15 साल राज क्यों किए थे, उसके लिए माफी मांगना चाहिए आरजेडी के लोगों को कि यदि 15 साल लालू प्रसाद जी ने बिहार की स्थिति को बर्बाद किया, तो पहले तो उसके लिए माफी मांगे। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ओबीसी के तीन ही सेक्रेटरी भारत सरकार में, तो उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री, उनके परदादा प्रधानमंत्री, तो माफी मांगे ना। ये लोग अपने कर्मों का, कुकर्म जो किए इस देश के, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? देखिए, इस देश के सनातन को जिस तरह झुकाने का काम मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया, आज तो सनातन के लोग ऊपर टॉप पर बैठे हैं, इसलिए भारत श्रेष्ठ बनेगा। राम, भगवान राम दिल में बसे हैं, इसको बसना ही होगा। नहीं, कहते तो वो लोग भी हैं, विपक्ष वाले भी, कि राम जी हमारे दिल में बसे, हम दिखावा नहीं करते हैं, और जब बुलावा आएगा तब मंदिर जाएंगे, कोई रोक लेगा क्या? स्वाभाविक है, मेरे हम वो सनातन की बात कर रहे हैं जहाँ प्रभु श्री राम के 4 बेटा थे, ये भाई थे, दशरथ के 4 बेटे और चारों का गुण आप समझिए, औरंगजेब के 4 बेटे का पता कीजिए नाम और उनके गुण समझिए। शाहजहां को औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के दिया था, अब समझना यही है। एक 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 आखिरी सवाल, नीतीश जी ने कैंडिडेट खड़ा करवाना शुरू कर दिया है, क्या किस रूप में देखते हैं इसे? कि नीतीश जी अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में, नीतीश जी का कोई रोल नहीं है बिहार में, बिहार में जीरो पे आउट होंगे। चलिए, तो हमारे साथ सम्राट चौधरी थे कि बिहार में जीरो पे आउट होंगे, ये कहना है नीतीश कुमार, और राम मंदिर को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है।